हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिस्ट्री का थर्ड लेसन करेंगे जिसका नाम है इन द अर्लीस्ट सिटीज़। सेविंग एन ओल्ड बिल्डिंग्स, ये हमारी हेडिंग है। जसपाल एंड हरप्रीत वर प्लेइंग क्रिकेट इन द लेन आउटसाइड देयर होम व्हेन दे नोटिस्ड द पीपल हु वर एडमायरिंग द डिलैपिडेटेड ओल्ड बिल्डिंग्स दैट द चिल्ड्रन कॉल्ड द हॉन्टेड हाउस। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो खंडर नुमा घर था उसकी तारीफ कर रहे थे, जिससे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। लुक एट द आर्किटेक्चर, सैड वन ऑफ द मैन, एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो। हैव यू सीन द फाइन वुड कार्विंग, आस्क्ड वन ऑफ द वुमेन, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है, दूसरी महिला ने पूछा। वी मस्ट राइट टू द मिनिस्टर सो दैट शी मेक्स अरेंजमेंट्स टू रिपेयर एंड प्रिजर्व दिस ब्यूटिफुल हाउस। हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। Why they wondered what anybody be interested in the old run down house? यह सब सुनकर जसपाल और जो हरप्रीत थे, जो इनके बातें कर रहे थे, तो वो सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों को इतना लगाव क्यों है, वो उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो ये हमारा इस जो लेसन है हमारा, इसमें हमें हड़प्पा के बारे में बताया गया है कि हड़प्पा संस्कृति कैसे शुरू हुई, हड़प्पा कहाँ है, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। तो हड़प्पा की ये कहानी है। वेरी ऑफन ओल्ड बिल्डिंग्स हैव ए स्टोरी टू टेल, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। नियरली 150 ईयर्स एगो, लगभग 150 साल पहले, जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियर को अचानक हड़प्पा पुरस्थल मिला। हड़प्पा इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, जो कि आजकल आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा वाउंड है, मतलब खंडर है, जहां से उन्हें अच्छी ब्रिक्स मिल सकती हैं। और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें जो थी वो उखाड़ कर वहाँ से ले गए। उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, जो उन्होंने ईंटें वहाँ से ली थी उससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह जो नष्ट हो गई थी। हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ है। देन अबाउट 80 ईयर्स एगो आर्कोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज्ड, उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस साइट, इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह जो खंडर है वह उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी सिमिलर बिल्डिंग्स, जो जितने भी हमारे सभी पुरास्थल थे, जो इमारतें और चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन सिटीज़ का जो विकास था लगभग 4700 साल पहले हुआ था। वट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़, इन नगरों की विशेषता क्या थी। मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू टू और मोर पार्ट्स, इन नगरों में से कई दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित की गई थी। यूजली द पार्ट ऑफ द वेस्ट वाज सिमिलर बट हायर, प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। आर्कोलॉजिस्ट डिस्क्राइब दिस एज द सिटेडल, पुरातत्व थे वो इसको नगर दुर्ग के नाम से पहचानते थे, बोलते थे। जनरली द पार्ट ऑफ द ईस्ट वाज लार्जर बट लोअर, और जो निचला हिस्सा होता था वो ईस्ट में होता था, और उसे क्या कहा जाता था,
नीचे के नगर निचला नगर के नाम से जाना जाता था। दोनों हिस्सों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी जो दीवारें हैं वैसी की वैसी खड़ी हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। इन सम सिटीज स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटेडल। फॉर एग्जाम्पल इन मोहनजोदाड़ो ए वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कोलॉजिस्ट कॉल्ड द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ड इन द एरिया। कुछ नगरों के जो नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी, मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट विद ए लेयर ऑफ नेचुरल टार। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोर की परत चढ़ाई गई थी। देयर वर स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट फ्रॉम टू साइड्स वाइल देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट इन फ्रॉम ए वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूज। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से लाया जाता था और निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। परहैप्स इम्पोर्टेंट पीपल टुक ए डिप ऑन इन दिस टैंक ऑन स्पेशल ओकेजन्स। शायद यहाँ जो विशिष्ट लोग होते थे वो ही विशेष अवसरों पर यहाँ पे स्नान करते थे, नहाते थे वो यहाँ पर। अदर साइट्स सच एज कालीबंगा एंड लोथल एंड फायर एल्टर्स वर सेक्रीफाइसेस मैनी हैव बीन परफॉर्म्ड। कालीबंगा और लोथन जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। एंड सम सिटीज लाइक मोहनजोदाड़ो हड़प्पा एंड लोथल इलेबोरेट स्टोर हाउसेज। हड़प्पा मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। अब हमारे पास ये इधर मैप, ये देखो आपको ये दिखाया गया है, ये हमारा है अर्लीस्ट सिटीज उस टाइम की जो सब कॉन्टिनेंट्स की वो बताई गई हैं। देखो ये ज़्यादातर कहाँ थी, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, इसमें हमें ये हड़प्पा की जो संस्कृति है वो मिली है। हाउसेस ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। जनरली हाउसेस वर आइदर वन और टू स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ड अराउंड ए कंट्री यार्ड। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार बाथरूम जिसको हम कहते हैं स्नानागार होता था और कुछ घरों में पानी जो है कुएं से आता था। मैनी ऑफ सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। नोटिस हाउ केयरफुली दीज वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इन नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इनटू बिगर वंस। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर सफाई के लिए मेन होल बनाए गए थे। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। ये आपको ऊपर पिक्चर दिखाई गई है, ये उस समय का बाथरूम स्नानागार था। इसमें ये देखो ये स्टेयर्स हैं नीचे उतरने के लिए और इसमें ये पानी भरा जाता था और यूज़ करने के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। और जो आपको ये इधर दिखाई है हड़प्पा के नगरों में जो ईंटों की चिनाई थी वो इस तरह से की जाती थी, एक के ऊपर एक रख के सावधानी पूर्वक वॉल जो बनाई जाती थी। लाइफ इन द सिटी।
नगरीय जीवन। हड़प्पा सिटी वाज ए वेरी बिजी प्लेस। हड़प्पा के जो नगर थे बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स। ये संभवतः शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से उनसे क्या मंगवाते थे, उनसे मेटल, प्रीसी स्टोन्स, अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। वो उनसे धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। दे मे हैव कैप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्व्स। शायद शासक लोग खूबसूरत मोती तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। एंड देयर वर स्क्राइब्स पीपल हु न्यू हाउ टू राइट हु हेल्प्ड प्रिपेयर द सील्स। इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मुहरे बनाने में मदद करते थे और शायद उन चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई है, मतलब जो ज़्यादा समय तक सर्वाइव नहीं कर पाती थी उन चीज़ों पर भी वो लिखते थे। बिसाइड्स देयर वर मैन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। पीपल वर ट्रेवलिंग टू डिस्टेंस लैंड्स और रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल्स। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वापसी में कच्चा माल और साथ ही दूर देशों की जो किस्से कहानियां भी लाते थे। मिट्टी से बने खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। उस समय कुछ खिलौने भी मिले जिससे बच्चे खेलते थे। ये देखो नीचे हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये पहली है इसमें क्या दिखाया गया। पहले यहाँ ऊपर से स्टार्ट करो, ये देखो पहले आपको ये वाली पिक्चर दिखाई गई है। सबसे ऊपर क्या है, ये मोहनजोदाड़ो में के समय में बनी हुई एक सड़क और उसमें बना हुआ नाला है। उसके नीचे जो ये सेकंड पिक्चर है ये उस समय का बना हुआ एक कुआ है, और ये जो है इधर ये मोहर बनी हुई है और उस समय के ये मिले हुए कुछ टॉयज हैं, मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं ये। न्यू क्राफ्ट्स इन सिटीज, नगर और नए शिल्प। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे जो उस समय में जो हमें क्या क्या ऑब्जेक्ट्स मिले, कौन से ऑर्नामेंट्स मिले। हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें यहाँ पर मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने चांदी जैसी धातु से बनाई गई चीज़ें मिली हैं। कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। Perhaps the most striking find those of beads, baits and blades. यहाँ मिली सबसे जो आकर्षक वस्तुएं थी वो थी मोती, बाट और ब्लेड, मतलब एक पतली धारदार चीज जिसे हम फलक कहते हैं वो मिली थी। अब ये देखो ऊपर आपको टॉप पे दिखाया गया है, ये है वेट्स जो कि वहाँ पर मिली है। उसके बाद राइट्स में ये बीड्स दिखाई गई है आपको, और ये आया ब्लेड्स। द हड़प्पन सारसो मेल सील्स आउट ऑफ स्टोन। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरे बनाते थे। इन आयताकार रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। ये आयताकार मुहरों पर समानते जानवरों के चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। कॉटन वाज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स एगो। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य
तांबों की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वर्ल्ड्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। सूत उस समय क्या था, पुरातत्वविदों को पक्की मिट्टी तथा फेंस से बनी तकलियां मिली है, तकलियां जिस पर सूत बनाया जाता था, जो सूत कताई में प्रयोग होती थी। मैनी ऑफ द थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। इनमें से जो अधिकांश वस्तु का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। द स्पेशलिस्ट इज ए पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क। अब विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट कौन होते थे? स्पेशलिस्ट उन्हें कहा जाता था जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते थे, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर चित्रकारी करना आदि। अब जो हमारा पेज 36 पे था, हमने वो देखा ही था, उसमें जो मूर्ति बनी हुई थी उसमें कितने आकर्षक ढंग से उसको बनाया गया था, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी दर्शाई गई है। ये आपको पीछे तस्वीर ये दिखाई गई है, यहाँ पे ये वाली, इसमें ये आपकी बुक में है, इस बुक में से ध्यान से देखना। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। अब जो ऐसी जो पिक्चर है, पोर्ट्रेट है, वो कोई ऐसे ही बिना सीखे बंदा तो बना ही नहीं सकता, जो प्रशिक्षित होगा वही इसे बना सकता है। नॉट एवरीबॉडी वुड हैव बीन ए स्पेशलिस्ट। हर व्यक्ति व्यक्ति जो है विशेषज्ञ भी नहीं हो सकता। हमें यह कैसे पता चलता है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कार्यों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर उस समय केवल महिलाएं ही? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में जो स्पेशलाइज थे, दक्ष थे। इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, कच्चे माल की खोज में। रॉ मटेरियल्स आर सब्सटेंसेस दैट आर आइदर फाउंड नेचुरली सच एज वुड और ओर्स ऑफ मेटल्स और प्रोड्यूस्ड बाय फार्मर्स और हर्डर्स। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। फॉर एग्जाम्पल किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और जो प्रीसियस स्टोन्स मतलब बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे, दूर दूर से उन्हें लाते थे। द हड़प्पन्स प्रोबेबली गॉट कॉपर फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान एंड इवन फ्रॉम ओमान। जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या करते थे? हड़प्पा के लोग तांबों का आयात संभवतः आज का जो राजस्थान है वहाँ से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई एरिया जो था, वेस्ट एशिया, ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का जो आयात है वो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अब आपको ये साइड पे कुछ चीज़ें दिखाई गई हैं, ये एक खिलौना दिखाया गया है और दूसरी जो ये है एक मोहर है। फूड फॉर पीपल इन द सिटीज़, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। व्हाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, अदर लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे, वे अनाज उगाते और जानवर पालते थे। जो दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्संस। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है
कि हड़प्पा के लोग वीट, बार्ले, पल्सिस, पीज, राइस, सेसमे, लाइन सीड एंड मस्टर्ड, गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ए न्यू टूल द प्लाउ वॉज यूज टू डिग द अर्थ फॉर टर्निंग द सोल एंड प्लांटिंग सीड्स। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, ये एक नया औजार था। वाइल रियल प्लाउ विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड। ये जो हल होता था ये प्रायः लकड़ी से बना होता था, लेकिन ये ज़्यादा समय तक लकड़ी का बना होने के कारण ज़्यादा समय तक ये सर्वाइव नहीं कर पाता था, चल नहीं पाता था। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और जरूरत पड़ने से उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। द हरप्पन्स रियर्ड कैटल, शीप, गोट एंड बफेलो। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का वो शिकार करते थे। ए क्लोजर लुक हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। द सिटी ऑफ धोलावीरा वाज लोकेटेड इन खादीर बेत, आल्सो स्पेल्ड एज बैट, इन द रन ऑफ कच्छ। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहाँ धोलावीरा नगर को तीन भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे, जो गेटवे मतलब बहुत बड़े बड़े उसमें रास्ते थे। देयर वर आल्सो ए लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट। इस नगर में एक बहुत बड़ा खुला मैदान भी था। फिर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ द हड़प्पन स्क्रिप्ट दैट वर कार्व आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड ऑन वुड। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदाया गया। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ियों में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है। हड़प्पा के लोग मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर ये पाए जाते थे। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात क्लोज टू द गल्फ ऑफ खंभात। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे लोथल नगर बसा था। यह एक ऐसा स्थान था, ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन। इन पत्थरों, शंकरों और धातु से बनाई वाली चीज़ें एक महत्वपूर्ण ये केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मुहरे और मुहरबंद, द इम्प्रेशन ऑफ सील्स ऑन क्ले, गीली मिट्टी पर दबाने से जो छाप बन जाती है उसे मुहरबंदी कहते हैं, वो भी वहाँ पर मिली है। लोथल का बंदरगाह दिखाया गया है, ये जो नीचे आपको पिक्चर दिखाई गई है, ये वहाँ का बड़ा तालाब रहा होगा और यहाँ पर जो है माल चढ़ाया उतरा उतारा जाता था उस समय में। ए बिल्डिंग दैट वॉज फाउंड हेयर वॉज प्रोबेबली एक वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनके मतलब जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं थे, बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी मिले हैं। सील्स एंड सीलिंग्स, मुद्रा और मुद्रांकन मतलब कि मुहर बनती।
मुद्रों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों पर निशान लगाने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सके। ये इसलिए यूज़ किया जाता था ताकि कोई उसे खोल ना सके। तो इसलिए उसको जब जहाँ पे वो उसको बंद किया जाता था या जहाँ पे उसको नोट लगाई जाती थी तो वहाँ पे उसको सील कर दिया जाता था, वहाँ निशान लगा दिया जाता था ताकि उसे कोई और खोल ना सके। ये आपको साइड पे दिखाई गई है। द मिस्ट्री ऑफ द एंड, सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 ईयर्स एगो वी फाउंड द बिगनिंग ऑफ ए मेजर चेंज। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज, उन्होंने वहाँ पे रहना छोड़ दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, लेखन मुहर और जो बाटों का प्रयोग था वो बंद हो गया था। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। इन मोहनजोदाड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पाइल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, मोहनजोदाड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली जो थी, पानी जो गंदा पानी निकालने की ड्रेनेज सिस्टम था, वो टूट गया था और सड़कों पर ही जो छोटे छोटे झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, यह सब क्यों हुआ इसका अभी कुछ पता नहीं चला, इसके लिए श्योरिटी कोई नहीं है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइव्ड अप, कुछ जो विद्वान थे उनका कहना था कि नदियाँ सूख गई थी, लेकिन कुछ अन्य का कहना था कि जंगलों का विनाश हो गया था, जो डिफोरेस्टेशन हो गई थी, जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये भी हो सकता है, और ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी तो वो भी उनको उस समय में नहीं मिल पा रही थी। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई थी, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ। हमें उस समय पर यह नहीं पता चल पाया कि इन सभी नगरों का अंत एकदम से कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर सिर्फ जो है कुछ इलाकों पर ही होता है। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण खत्म हो गया था। इट अपीयर्स एज इफ द रूलर्स लॉस्ट कंट्रोल, इन एनी केस द इफेक्ट्स ऑन द चेंज आर क्वाइट क्लियर। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। साइट इन सिंध एंड वेस्ट पंजाब प्रेजेंट डे पाकिस्तान वर अबंडेंट, आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां अबंडन मतलब उजड़ गई थी। वाइल में पीपल मूव्ड इनटू न्यूअर स्मॉलेस्ट सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड साउथ, कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। न्यू सिटी इमर्ज्ड अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, यू विल रीड अबाउट देम इन चैप्टर 6 एंड 9। जो 1400 साल बाद नए नगरों और विकास हुआ, उनको हम आगे लेसन 6 और 9 में हम उनको पढ़ेंगे। एल्सवेयर फाइंड इजिप्ट यूएन एटलस, हमारे पास जो एटलस है उसमें आप उसको इजिप्ट को ढूंढो। मोस्ट ऑफ इजिप्ट इज ए ड्राई डेजर्ट, इजिप्ट जो है ये ज़्यादातर क्या है, अधिकांश भाग इसका कैसा है, रेगिस्तानी है। अराउंड 5000 ईयर्स एगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंस लैंड्स टू गेट गोल्ड सिल्वर अवोरी टिम्बर एंड प्रीसियस स्टोन्स। लगभग 5000 पहले जिन राजाओं ने मिस्र पर शासन किया, इन राजाओं ने सोना चांदी हाथी दांत लकड़ी और हीरे जवाहरात लेने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजा। दे आल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नोन एज पिरामिड्स, इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड के नाम से जाना जाता है। वेन दे डाइड द बॉडीज ऑफ किंग्स वर
प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड्स। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाया जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज ममीज। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। इनके शवों के साथ और भी अनेक चीज़ें दफनाई जाती थी, जिसमें ए लार्ज नंबर वर आल्सो बरीड देम। बहुत सी चीज़ें दफनाई जाती थी। इनमें खाद्यान्न इंक्लूडिंग फूड ड्रिंक क्लॉथ्स ऑर्नामेंट यूटेंसिल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे वस्त्र गहने बर्तन वाद्य यंत्र हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट एलेबरेट बुरियल्स नोन इन वर्ल्ड हिस्ट्री। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की विस्तृत परंपरा मिस्र में ही थी। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। Read and watch this video.